सॉइल के बारे में, क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। सबसे पहले हम जानेंगे ये लैंड क्या है। लैंड इज अ रिसोर्स, और जब अच्छे से देखा जाए, हमारे पास एक कंफ्यूजन है कि लैंड दरअसल है क्या, किस किस हिस्से को लैंड कहते हैं। प्यारे बच्चों, द पोर्शन ऑफ अर्थ अबव वाटर इज लैंड। अगर मैं एक प्रोफाइल बनाऊं, सबसे नीचे जो है ओशन, फिर कोस्ट, प्लेन्स, प्लेटोज, हिल्स, माउंटेन्स एंड वैलीज। ये सारा जितना भी हमें पानी से ऊपर दिखता है, चाहे वो मैदानी इलाका हो, पठार हो, पहाड़ियां हो, वादियां हो, बड़े पहाड़ हो, इन सबको हम लैंड कहते हैं। एंड दिस लैंड इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस जमीन पर 30% जो है दैट कंस्टिट्यूट्स लैंड। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इस लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, इट इज वेरी वेरी डिस्ट्रीब्यूशन। ए वेरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? एट सम प्लेसेस वी हैव माउंटेन्स, कहीं पे रगड़ टोपोग्राफी है, कहीं पे स्टीप स्लोप्स है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे हमें लो लाइंग एरियाज है। और जब इसका इस्तेमाल देखेंगे तो इस्तेमाल भी वेरी होता है, क्योंकि इस्तेमाल के टाइम में हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट की। तो मेरे प्यारे बच्चों, जमीन के इस इस्तेमाल को कि हम किस किस से किस किस स्रोत इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं लैंड यूज। लैंड यूज का मतलब द वे वी यूज द लैंड, हम किस तरीके से जमीन को इस्तेमाल करते हैं, कैसे। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होता है, और प्यारे बच्चों सेटलमेंट्स के लिए, गर्ज की, जो भी हम एक्टिविटीज अंजाम देते हैं वो सारा हम इसी लैंड पे देते हैं। तो हम जानते भी है कि वी हैव ओनली 30% ऑफ लैंड अवेलेबल, दैट टू वैरीड वन। सो द क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाट क्वेश्चन इज हियर, दैट इज शुड वी गो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंड और नॉट। क्या हमें लैंड का कंजर्वेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, वी नो दैट ऑन वन हैंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो इज इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ सेटलमेंट्स, डिमांड ऑफ अदर एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद अवर डे टू डे लाइफ। यानी पॉपुलेशन का इंक्रीज होने के साथ साथ डिमांड बढ़ जाती है उन सारे एक्टिविटीज की, डिमांड ऑफ एक्टिविटीज इंक्रीज। सो अल्टीमेटली प्रेशर किस पे आता है? प्रेशर आता है हमारी फूड सिक्योरिटी पे। क्यों आता है असर फूड सिक्योरिटी पे? क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड भी इस्तेमाल हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड का मिसयूज हो रहा है। इसके साथ साथ
अगर हम माइनिंग की बात करें, माइनिंग की वजह से भी हम इस जमीन को हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन इस लैंड पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसको हम और फिर आम में कहते हैं एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड। एक तरफ से हम जानते हैं इस लैंड की इफादियत और अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसके बगैर हमारा जिंदा रहना नामुमकिन है, बिकॉज इट इज दिस लैंड विच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, इट एक्ट्स एज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अगर हम बात करें कॉमर्शियल एक्टिविटीज की, इफ वी टॉक ऑफ लिविंग एट अ पर्टिकुलर सेटलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और एट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो लैंड कम्स फर्स्ट। सो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए कि ये लैंड हमें हमेशा फायदा देता रहे, हमें इसके कंजर्वेशन का भी ध्यान रखना होगा। तो कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से मेजर्स हमें उठाने होंगे, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कंजर्वेशन मेजर्स, चेक ऑन सॉइल एरोजन, मिटिगेशन मेजर्स ऑफ लैंड स्लाइडिंग, प्रॉपर एंड judicious use of agricultural land। To reduce the use of land, fertile one, for non-agricultural purpose। To make the best use of wasteland, these are some of the conservation measures which we need to take up so as to lessen the burden on the existing state of land as a resource for the sustenance of whole life system। Now my dear children, if we talk of soil erosion, what soil erosion is all about? Soil erosion means washing away of top layer of soil under the impact of एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन। ये एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन क्या क्या है? इट्स वाटर, आई मीन रनिंग वाटर, इट्स ग्लेशियर, आई मीन मूविंग आइस, इट्स विंड, दैट्स मूविंग एयर। These are called agents of ग्रेडिएशन। जब हम अपने लैंड को बैरन छोड़ते हैं, बैरन कब छोड़ते हैं अपने लैंड को? जब हम डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं। जंगल के कटाव से हमारी जो लैंड है वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है टू एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर एंड विंड। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वहां पे जमीन ना धुल जाए, जो हम फॉरेस्ट एरियाज की बात करते हैं, तब हमें इसका तदारुक, इसका इलाज क्या है? हमें एफॉरेस्ट्रेशन करना होगा। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ जब हम लैंड स्लाइडिंग की बात करते हैं, हमें बहुत सारे मेजर्स उठाने होंगे।
सबसे पहले हमें उन इलाकों को अवॉइड करना होगा कि हम अपनी सेटलमेंट्स या कोई भी एसेट वहां पे क्रिएट ना करें इन दोज एरियाज विच आर प्रोन टू लैंडस्लाइड। अगर अब कहीं पे हमारी मजबूरी है कि हमने रोड वगैरह या किसी भी एसेट को अपना बनाया हुआ है तो हमें वहां पे रिटेन वॉल्स का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके हम अपने लैंड को डिग्रेड होने से भी और इस बेहतरीन रिसोर्स को जाया होने से भी बचा सकते हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करें तो हमें नॉन एग्रीकल्चरल यूज को कम करके हमें ज्यादा से ज्यादा लैंड को अवेलेबल रखना होगा फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। और अभी मैं बात कर रहा था टू रिड्यूस द यूज ऑफ लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस टू मेक बेस्ट यूज ऑफ वेस्ट लैंड। अभी तक हमारी कैटेगरी में रेबल लैंड भी है, वेस्ट लैंड भी है। हमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके वेस्ट लैंड को रिक्लेम करना चाहिए ताकि जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लैंड है वो बरकरार रखे। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस।